हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो बिस्किट केक, जिसे हम बनाएंगे बिना बेक किए हुए। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओरियो बिस्किट कपकेक बनाने के लिए हम इस ओरियो बिस्किट को इस ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इस बिस्किट को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे इस बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। हमने होममेड बटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो अमूल बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इस कप में बटर पेपर लगाएंगे तरह से। अब हम इसे इस कप में अच्छी तरह से डाल देंगे। इसे इस तरह से अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये सेट हो जाए। सेम प्रोसेस से हम दूसरे कप में भी कर लेंगे। इसमें डालेंगे बटर पेपर। इसे आप चम्मच के पीछे से इस तरह से अच्छे से दबाएं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। दोनों कप रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे केक का बेस तैयार हो रहा है, तब तक हम व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। व्हिप्ड क्रीम के लिए हमने लिया है फ्रेश मलाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर और इसे अच्छी तरह से 5 to 7 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने इसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से और ये देखिए व्हिप्ड क्रीम हमारी बनके एकदम तैयार हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट। अब हम कोन बना लेते हैं। कोन बनाने के लिए हमने इतनी मोटी पॉलीथिन का यूज किया है। इसे इस तरह से मोड़ते हुए कोन बना लीजिए। यहाँ पे एक टेप लगा देंगे और इसके अंदर पूरे व्हिप्ड क्रीम को हम फिल कर लेंगे। ये देखिए हमारी कोन बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है। अब इस व्हिप्ड क्रीम को इसके अंदर तरह से फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें फिल कर लिया है। अब इसके पीछे हम इस तरह से इस रबड़ बैंड को लगा लेंगे। टू आवर हो चुके हैं, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से इस तरह से बटर पेपर को निकाल लेते हैं। इसे एक प्लेट में इस तरह से डाल के ये देखिए कितना इजीली ये निकल गया। इसके ऊपर से बटर पेपर हम हटा देते हैं। अब हम इस कोन को इस तरह से कट कर देंगे। और इसे इस तरह से केक में लगा देंगे।
इसे नाइफ से इस तरह से हम सब तरफ फैला देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से ओरियो बिस्किट से सजा देंगे। हमारा ओरियो कपकेक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप दूसरा केक भी बना लें। ओरियो बिस्किट कपकेक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।